बगमारा पहुंचे सरयू राय ने अवैध कोयला उत्खनन मामले का निरीक्षण किया और साथ में अवैध कोयला उत्खनन क्यों हो रहा है इसमें चर्चा भी की। आपको बता दी कि सरयू राय एक निजी कार्यक्रम में आए थे, इस दौरान कतरास के कई गणमान्य ने इलाके में हो रहे कोयला तस्करी के मामले से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सरयू राय ने कहा कि प्रशासन की शिथिलता से कोयला तस्करी बढ़ रहा है। अवैध कोयला खनन में तो गरीब तबके के लोग शामिल होते हैं, पर उन्हें हो रहे धनोपार्जन का बड़ा हिस्सा कुछ रसूखदारों के पास जाता है, इसलिए इस धंधे में कुछ रसूखदार सभी पोषों का भी संरक्षण प्राप्त है। साथ ही हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कारोबार को लेकर सरकारी तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है, या यूं कहें कि सरकारी तंत्र ही इस कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। वहीं लाल प्रसाद चारा घोटाला मामले पे कहा कि पहले से अनुमान था कि इतनी साल की सजा होगी, इससे पहले लालू जी को 7 साल की सजा दी गई थी और यह कोर्ट ने 5 साल की सजा दी है, जो एक बहुत बड़ा मुकदमा था जिस कानून के रास्ते पे पूरा मामला गया है। अदालत में सुनवाई होने पे मालूम होगा कि पूरा मामला क्या है। नहीं, मैं यहाँ आया तो तब से कई लोगों ने इसके बारे में मुझे सूचित किया, बताया, और इसका पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में लोगों ने अपनी बातें की। इतना तो निश्चित है कि धनबाद जिला में जिस तरह से लोगों की मौत हो जा रही है अवैध खनन करते समय, और प्रशासन उसको बड़ी गंभीरता से नहीं ले रहा है, यह एक विषय है। और कुछ लोग सरकार में बैठे लोग सहानुभूति भी व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ये जो अवैध खनन कर रहे हैं ये लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, बेरोजगार हैं, ये काम नहीं करेंगे तो फिर और कुछ दूसरा इसी तरह काम करेंगे। क्या उनका ये तर्क सर जायज लग रहा है, क्या वो ये तर्क दे रहे हैं? नहीं, उनका ये तर्क है, दूसरी ओर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको हम अवैध कैसे कहेंगे, कोई रात के अंधेरे में हो नहीं रहा है, कोई छुप के हो नहीं रहा है, सैकड़ों लोग चलती हुई खदान में भी घुस जा रहे हैं और वहाँ से माइनिंग करके ला रहे हैं। तो मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ वो यही है कि काम अवैध है, सरकार का सिस्टम इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है,